भद्रा है। शिवाजी तुमको क्या लगता है वो अभी तक जिंदा होगा? वो मर गया होगा यार। लो मेरे 800 रुपए लगे। मेरा 1000 रुपया और मेरा 1200। मेरे 1500 रुपए। इतने देर में तो पानी में कोई भी आदमी मर जाएगा। मेरा 1600 रुपया। इसके ऊपर कोई बोली लगाएगा? मैं शर्त लगाता हूँ वो जरूर जिंदा होगा। मेरे 2000 रुपए। खींचो उसे। था ये नहीं मरेगा। इसकी बॉडी है बॉक्स ऑफिस। शिप में से सामान उतारा गया और जब मैं यहाँ आया तब तक सामान गायब हो गया। बीच समंदर में सामान कहाँ गायब हो गया? शार्क मछली। शर्त लगाते हैं, अगर हम इसे समंदर में छोड़ते हैं तो ये शार्क मछली पहले इसकी मुंडी खाएगी या बॉडी? बॉडी बहुत नरम होती है ना, देखना पहले वही खाएगी। अबे ओ घोंचू, अगर उस शार्क के पास दिमाग होगा ना तो वो सबसे पहले इसकी मुंडी खाएगी, देखना। अरे छोड़ो इसे छोड़ो। बोल रहा है, शायद कुछ बोल रहा है। हाँ बोल रहा है। बोल 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 बोलो। अभी छोड़ेगा तो तेरी ही टांग तोड़ूंगा और अगर देर कर दी तो इन कुत्तों की भी टांगे तोड़ दूंगा। खून की खुशबू से शार्क का दिमाग खराब हो जाता है। हा हा। तो शार्क मछली ने उसके पूरे शरीर को चबा लिया होगा पर ये रस्सी ऊपर नहीं आई रे। ओ, 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 ओ,
बंधे पड़े हैं यार, जल्दी खोलना, तकलीफ हो रही है। अरे भद्रा, पानी चाहिए क्या? थैंक्स चाचा जी, कैसे हैं? ठीक है ना? अरे मेरी बात छोड़ो, मैंने सुना तुम्हें किसी ने पकड़ा था। हाँ, शिवा ने छुड़वाया था। मामूली शिवाजी नहीं है ये, छत्रपति शिवाजी है। ए चाचा, एक स्ट्रांग टी बनाओ। बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। शिवाजी को स्पेशल टी, बाकी सबको चालू चाय देना। इसका ऐसा प्रमोशन हो गया है कि इसके लिए स्पेशल टी, हमारे लिए पानी कम चाय बनेगी। चाचा, खाने पीने का इंतजाम हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं बचा है बेटा, जो कुछ भी बचता है ये खाकर खत्म कर देता है। खाकर खत्म कर देता है, ऐसे कह रहे जैसे 10 आदमियों का खाना अकेले ही खा जाता हूँ। मैंने पूरी और दो डोसे माँ के लिए पार्सल बांध लिए, चार वड़ा और एक समोसा बचा है। कब से कुत्ते को बुला रहा था खाने के लिए, वो तो नाटक कर रहा है। तुम ही खा लो, मैं भी आता हूँ। इतनी जल्दी जा रहा है? टाइम बोलो तो टाइम, सुबह 6 से 9 तक पांडू काट करके ड्यूटी, 9 से 12 तक तुम्हारी ड्यूटी, 12 से 3 तक गैप। माँ को भी देखना पड़ता है, 3 बजे से तुम्हारे पास आऊंगा, रात को फिर काकर की ड्यूटी। अबे तू गवर्नमेंट ऑफिसर है क्या? तुम जो पगार देते हो उसमें यही काफी है, समझे? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो नौकरी छोड़ दूंगा। अरे इसके जैसी हिम्मत हम में होती तो कब के सेटल हो गए होते। माँ माँ, बाहर क्यों आई हो? मैंने कितनी बार कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता, घर के अंदर रहा करो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। मैं बाहर कहाँ आई बेटा, आंगन में ही तो हूँ ना। तुम्हें क्या पता कि ये घर है और वो सड़क, अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? बैठो। शिवा, माँ और भाई के बारे में कुछ पता चला बेटा? तेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी बेटा, हौसला रख बेटा, एक दिन वो जरूर मिलेंगे। हफ्ते भर से आपके एप्लीकेशन पर ही काम चल रहा है, बैठो। श्रीलंका से आए सभी लोगों में से राजलक्ष्मी नाम के बहुत से लोग हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। कलेक्टर ऑफिस से उस नाम की सभी फाइल्स की डिटेल्स मंगवाई है, इनमें से तुम्हारी माँ कौन है देखो। ये मेरी माँ है। एड्रेस देखिए ना। इसमें प्रेजेंट एड्रेस नहीं है, डेफिनेटली वो इंडिया में ही है। ये फोटो मैं ले सकता हूँ? राजू को छोड़ देगा, उसने झूठ बोला था। सुबह उसने जीप में बैठने के लिए बोला, राजू ने कहा माँ को बस में बैठा कर आता हूँ, फिर भी नहीं छोड़ा उस आराम ने राजू को। जो भी इस लकीर को पार करेगा वो उसे मार डालेगा। शिवा नहीं, नहीं शिवा नहीं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, चल चल, नहीं 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 भाई नहीं, छोड़ दे रहे उसे, वो अकेला ही चला जाएगा। तूने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम सब की जान चली जाएगी, चल चल यहाँ से। तुझसे कह रहा हूँ, बह रहा हो गया क्या? एक लाश नहीं।
अस्पताल ले से यहाँ कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स सिंसियरली होना चाहिए। छोटे बच्चों की स्मगलिंग, काले धंधे सभी बंद होने चाहिए। बापरे, बापरे। करोड़ों, शायद करोड़ों की संपत्ति को आग लगा देगा ये। आप किस्मत वाले सर, आप भी लीगल है उसे पता नहीं चला शायद। इतना सिंसियर रहेंगे तो फिर हमें क्या बचेगा भाई। इतने दिनों तक बाजीराव और पॉलिटिशियन को हफ्ता दिया करते थे और उस नुकसान को भरने के लिए मेहनत करने वालों का हक मारा करते थे। आज से तुम लोगों को किसी को भी हफ्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फायदा लेने के बाद मजदूर को उसका हक दे दो, सभी सुखी रहोगे। तुम सबको डरा धमका कर जो पैसा बाजीराव ने जमा किया है उसे दुखी लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा। मिनिस्टर जी की ताली बजाने के अंदाज से लगता है कि वो खुश नहीं है। अरे राजनीति है ना, हैंड्स के बीच में कॉपरेशन कम ही रहता है। प्रजा की सेवा की सोचने के बाद हमें क्या बचेगा छत्रपति बाबू। पैरों पर एक धोती, कांधे पर एक रुमाल और हाथ में एक लकड़ी और शहर के चौराहे पर एक सीमेंट की मूर्ति। हाँ, इतना ही, इतना ही, इतना इतना, इतना। छत्रपति डेढ़ को मर्डर करके कुर्सी हथिया लिया है रे, लेकिन उसमें बैठ नहीं सकता, तारा से होगा भी नहीं। लेबर का भला चाहे वाला आदमी भाई नहीं बन सकत। अगर वहां बैठे के हा तब बदन पर कोट नहीं, दिमाग में गुस्सा, क्रोध और हरामी पना होवे के चाहे जो तोहरा में नहीं है। तू हमरे भाई के जगह पर जौन कब्जा किए हो ओके हथियावे में हमको चप्पल पहनने जितना टाइम लगेगा पुरबक। हमरा के दे रास बिहारी बिहार का से। Thank you.
गर्दी में तुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, मारना। लेकिन मरना नहीं पता। उसके लिए शेर का जिगर चाहिए, शेर का। डर के जब तू पीछे की तरफ हटा तभी तू आधा मर चुका था। तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? चल बे साले चल। कुंभी निकर कुंभस्त गुरु कुंभी वलय पति छत्रपति झंझा पवन गर्भापहर विंध्याद्रि समधृति छत्रपति चंड प्रबल दुर्दंड जित दुर्दंड भट तति छत्रपति शत्रु प्रकर विच्छेद कर भीमार्जुन प्रति। अमेरिका में मेरी बेटी को अचार भेजना है और सिर्फ 3 दिन का समय है। 2 तरह का अचार और कुछ मीठा बना देना। ठीक है साहब। ये लीजिए कुछ एडवांस। अब परसों ही आऊंगा, बैलेंस दूंगा और सामान ले जाओ। ठीक है। बेटा, बस स्टैंड में पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट लूंगा कहा था, उसका क्या हुआ? मैं ट्राई कर रहा हूँ माँ। परसों 10,000 रुपए आएंगे, जरूरत पड़े तो ले लो। मैं अकेली मेहनत नहीं कर सकती बेटा, अगर तेरी कमाई साथ होती तो। मैं जानता हूँ माँ, अभी मुझे भी बहुत कुछ करना है। मैं करूँगा, लाइफ बदल जाए कुछ ऐसा करूँगा। छेड़ने के लिए नहीं आया था, मरने से पहले उसके पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए आया था। मेरी गलती का पता चलते ही माँ को अटैक आया और वो मर गई। कोई भी हो अपनी माँ के मरने के बाद ही बाल मुंडवाता है, लेकिन मैंने तो बाल मुंडवाने के बाद अपनी माँ को मार दिया। आवारों की तरह घूमता था, नौकरी करके इज्जत और सम्मान से जीव, ऐसी माँ की ख्वाहिश थी, मैं उसे पूरी न कर सका। इस गंजे ने अपनी माँ की जान ली है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मार डालो मुझे, मार डालो। माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ये कैसे रहा, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? मुझे सही सबक मिला है, अब मेरे लिए मरना ही ठीक है। नहीं, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि तुम अच्छे इंसान बनो। अजय, इसे अपने यहाँ किसी काम पे रख लो। मैं उस छत्रपति के पास काम कर रहा हूँ, अगर तुम स्पॉट लगाओगे तो मैं उसके वीक पॉइंट पर मात देकर उसे अकेला भेजूंगा। क्या तुम उसे मारना चाहते हो या नहीं? हमका चांस मिले तो काहे ना मारम, नारियल की तरह सरों के छिले ही डालम। ए टकला, कुछ ऊपर नीचे बात समझ लिया है? मेरी साइड से क्लियर है, तुम्हारी साइड से कुछ ऊपर नीचे ना हो। ए, तुमरा और उसका बीच संबंध का है? वही जो उस तरह और बालों का होता है। सर सर सर, रुकिए 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 सर, आपकी माँ का पता चल गया सर। कहाँ है वो? पनवेल में। ये लिखिए एड्रेस। चला
अरे ससुर के नाती मुन्ना भैया, छत्रपति मर गया, ऐसी अच्छी खबर सुना दे। बात क्यों नहीं करते भैया? मुन्ना, हेलो। छत्रपति। क्या हुआ शिवा? इसे हॉस्पिटल ले जाओ। क्या हुआ शिवा? आकाश कहाँ है? कहाँ गया था तू? कहाँ? शिवा। आ मुन्ना, आ, तुझे एक छोटी सी कहानी सुनानी है। मैं एक घर, उस घर में एक माँ, हाँ उस माँ का एक सगा बेटा अशोक, और कुत्ते की तरह पाला हुआ शिवाजी, मेरा भाई। तकदीर मेहरबान हुई और वो कुत्ता छत्रपति बन गया और अशोक आकाश बनकर उसके नीचे काम करने लगा। भाई कौन है रे तेरा भाई? मेरे बाप से पैदा हुआ तू, माँ ने जन्म नहीं दिया तुझको, बचपन से ही मुझे तुझसे बहुत नफरत थी। मैं तुझे जान से मार देना चाहता था, उसी जलन से मैंने तू मर गया ऐसा माँ से झूठ बोल दिया था, लेकिन तू दूसरी बार न बच पाए इसके लिए मैंने रास बिहारी से हाथ मिलाया था, लेकिन तू फिर बच गया। भाई अगर तुम मुझसे नाराज हो तो जो चाहो कर लो, लेकिन माँ का है एक बार देखने की इच्छा है। माँ चाहिए तुझे? माँ चाहिए कमीने? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तू। अब कोई फायदा नहीं, अगर मैं तुझे मारूंगा तो तेरे आदमी मुझे कहीं से भी ढूंढ कर मार देंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। हेलो माँ, मैं माँ, अशोक माँ, सुनो माँ, मैं छत्रपति के पास काम कर रहा था माँ, मैंने उसे एक लड़की का मर्डर करते हुए देख लिया, अब वो मुझे जान से मार देगा माँ। छत्रपति प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, प्लीज छत्रपति मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। भाई मैं खुद को गोली मारकर मर जाऊं, इतना बेवकूफ नहीं हूं। अब तूने माँ की नजर में मुझे शूट किया है, मारने की कोशिश की है, शिट! ये सब मैंने नाटक किया है। तूने अगर ऐसा माँ से कहा वो तेरा ही भरोसा करेगी, अपनी कोख की औलाद से ज्यादा उसे तुझ कमीने पर ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं इतना नीच कमीना हूँ, तू माँ से ऐसा कह पाएगा क्या? और माँ ये सब सह पाएगी क्या? पहले ही एक बेटा जा चुका है, इसी दुख में 12 साल से मरती हुई जी रही है वो, अब मैं भी इतना कमीना हूँ जानने के बाद उसकी बची हुई जान भी। डर लग रहा है? अब क्या करेगा तू? हाँ आज बताकर अपनी माँ को मरवाना चाहता है या फिर दूर रहकर अपनी माँ को जिंदा रखना चाहता है? क्या करना चाहता है तू कमीने? He is all right. डॉक्टर ने कहा है वो खतरे से बाहर है, अब माँ यहाँ आने वाली है, उन्हें लगता है कि अशोक को शूट तूने ही किया है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। तुम लोग जाओ। मेरी बात सुनो। वहां पे हाँ।
छत्रपति है। लोग जिसे छत्रपति कहते हैं वो तुम ही हो क्या? इसका अर्थ जानते हो तुम? लोगों की भलाई के लिए जो जीता है वो है छत्रपति। तो जैसे गलत काम करने वाले लोग छत्रपति का मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे। तेरी माँ है क्या? हाँ? तूने ये नहीं सोचा कि उसकी भी माँ हो सकती है? मौत की गुण सुनते तुझे एक माँ की ममता की आवाज नहीं सुनाई दी? ये जनता और ये पुलिस तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन ऊपर भगवान है, तेरे पाप ही तेरा सर्वनाश करेंगे। नहीं छोड़ूंगी, इस माँ की बद्दुआ तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, तेरा नाश हो जाएगा। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। मैंने आपसे पहले ही कहा था माँ जी, आज शाम की ही फ्लाइट में भेजना है और आपने अभी तक तैयार नहीं किया है। टाइम पर ना मिला तो बाद में लेकर क्या करें, सर पर रखकर घिसे क्या? नहीं साहब जी, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ए, फिजूल की बातें मत करो, शाम को आदमी भेजूंगा, सामान तैयार नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। चलो, एक तो पहले ही पैसे ले लिए, आप चक्कर लगवा रही है बुढ़िया। अब माँ कैसी है? अब ठीक है। हम सब मिलकर अगर ये काम करें। किस्मत से माँ की सेवा करने का जो मौका मिला है उस खुशी को मैं बांटना नहीं चाहता। ये काम तुम करोगे? तुम कौन हो बेटी और ये सब? मैंने ही किया है, पापड़ बेचते हुए यहाँ तक आई थी, सभी चीजों को बिखरे हुए देखा, कहीं खराब ना हो जाए इसलिए बना दिया। तुम्हारा एहसान मैं कैसे उतारूं? ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। इतने बड़े मंत्री होने के बावजूद मुझ जैसे सड़क छाप भिखारी के पास आकर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर। मुझे मैं ऐसा क्या देखा सर? और क्या, उस छत्रपति को अच्छा जवाब दिया तूने। पैसा तो मेरा है लेकिन नाम तुम्हारा होगा, 50-50। Okay. ये डील हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अगर समझो कल छत्रपति से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ तो मैं तुम्हें कहीं भी नजर नहीं आऊंगा, समझे? रिस्क पूरा तुम पर ही आएगा। मेरा नाम लेते ही वो आपको आसपास कहीं नजर भी नहीं आएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है। जैसा तुमने कहा वैसा ही किया बाबू।
बाबू, उसका और तुम्हारा संबंध क्या है? ऐसा मेरे आदमी ने पूछा, मैंने उसे डांट कर भगा दिया। चलता हूँ। You are invited for my house owning party on. Sorry, Hindi. Grih Pravesh Nimantran. अशोक कमिश्नर जी, वेलकम। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, घर बड़ा बढ़िया बनाया, आंखें नहीं ठहर रही हैं। थैंक यू। कुर्सी पे बैठिए ना। बाद में बैठूंगा। अरे तुम्हें वो चीफ मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं, तुम जाओ जाओ जाओ। नमस्ते कमिश्नर साहब, सुना आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फिर क्या समझ रखा है मेरे गोरे गांव में? हाँ वहीं पे 1997 में सीएम को भी मैंने कुर्सी पर बैठिए ना। बैठ के बात करते हैं। रोड के हिस्से में तूने अपना घर बनवाया, ऐसा कहकर तेरा घर तोड़वा दूंगा। भाग भाग। कुर्सी पर बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं? मैं ना आ रहा हूँ। आपने बुलाया क्या? ए कमिश्नर साहब के लिए कुर्सी लेके आओ। कुर्सी मंगा रहे हो क्या? जिसे देखता हूँ कुर्सी 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 चिल्लाया जा रहा है इतनी देर से। कुर्सी पे बैठूंगा तो तेरा पिछवाड़ा फट जाएगा। उस छत्रपति को तुम कम समझते हो क्या? अरे छत्रपति आ गए। अरे बाबरे आ गया क्या? No entry please। सब कुछ कमाने का रास्ता सिर्फ गुंडागर्दी और माफियागिरी नहीं है, मेहनत करके भी ऊपर आ सकते हैं, यही बताने के लिए बुलाया। क्या कहा था? अपनी माँ को महारानी की तरह देखेगा, सूरत दिखाने में भी शर्म आए, तुझे इतना नीचे गिरा दिया है। माँ के पास में मैं, और माँ कहकर पुकारने पर भी सुनाई न दे उतनी दूर तू। बेटा घर के अंदर मैं, और कुत्ता घर के बाहर तू। इस जन्म में तो तू माँ से दूर ही रहेगा। गेट आउट, आई से गेट आउट। बेटा संभाल कर, उसमें मेरी जान है। अंदर आओ बेटा, भैया का आशीर्वाद लो। मेरा बड़ा बेटा है, अशोक की भी जान है। अच्छा, बड़ा वाला शेर मारे खातिर एक भेड़िया जाल बिछाया, लेकिन उस शेर बच गया। शेर बाहर आके उबड़ू बक्का का करेगा, पंजा से मार मार करो का चीरे डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट देकर उहे शेर भेड़िया को राजा बना दिया। दोनों में संबंध का है? वो तो कह रहा है उस तरह और सर के संबंध। हाँ, उस तरह और सिर का संबंध सुबह से पहले पता कर। सबसे आगे मैं रहूंगा ये वचन दिया था, उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। एक राज बिहारी क्या, पूरा बिहार भी आ जाए तो अंदर कदम नहीं रख सकता। आप लोग अंदर जाकर टेंडर भरो।
जीत गए छत्रपति, तुम्हारा हिम्मत देखकर हम तुम्हारा फैन हो गया हूं। कितना बदल गया हूं पता है? हम सुने हैं कि एक कुत्ता तुमको घर बुला के तुम्हारी बेइज्जती किया है। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी से उसको जान से मारने को तड़प रहा हूं। यही खातिर उसका सेटिंग कर दिया। माँ और बेटा दोनों काली मंदिर गया है, सेटिंग के मुताबिक ठीक 11 बजे बम फटेगा। अरे सरऊ, हम बिहार का शेर हूं, शिकार पर निकला हूं तो पीछे नहीं हटूंगा। तुम सब आओ रे। अरे छत्रपति, काली मंदिर कहा था ना, गलती हो गई, राम मंदिर है। दिखाई दिए क्या? नहीं दिखाई दिए। हेलो। अरे भाई, काली मंदिर राम मंदिर लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है। सोचने दो, महालक्ष्मी मंदिर। ये तो एकदम में पक्का है, अब तो 5 मिनट बचा है। सर्वत्र पूजां करिष्ये, ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णु। हाँ? रास बिहारी जी, प्रणाम। नमस्ते। इन्हीं की वजह से सारे टेंडर हमें मिले हैं। ये मेरे शुभचिंतक ही नहीं, बड़े भाई हैं, और आपके लिए बड़े बेटे की तरह हैं। हमरा क्या आशीर्वाद। खुश रहो बेटा, अब तुम्हारे फिर से 2 बेटे हो गए हैं माँ। अशोक बिहारी कंस्ट्रक्शंस अब नंबर 1 कंपनी हो जाएगी माँ। खुशी हुई बेटा। 10 लोगों को रोटी मिलनी चाहिए, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना बेटा। नहीं नहीं माँ जी, कौनो डर नहीं है। तलवार जैसन भाई और कवच जैसन माई हमरे साथ है, तके करा में दम है हमरा से टक्कर लेवे के। छत्रपति आज यहाँ कैसे? खुद का बंगला और प्रॉपर्टी मेहनत करके हासिल किया, इतना काफी नहीं? फिर उस राज बिहारी से हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? हा? तुम्हें काम के लाले पड़ गए हैं क्या? तो मुझे क्या? मेरे लिए नहीं, जनता के लिए। अभी अभी उन्हें खुशियाँ मिली, वो मर जाएंगे। तो मरने दो, उस जनता में मैं नहीं हूँ ना। तुम उसको जानते नहीं हो, माँ को बीच में रखकर वो तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। अगर उससे दुश्मनी की तो माँ की जान को खतरा हो सकता है, वो माँ को मार देगा। मारने दो, मरने वाली मेरी माँ है, तेरी नहीं। माँ की खुशी के लिए तेरी नौटंकी बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर तेरी वजह से माँ को कुछ हुआ, माँ को लेकर आओ रे। इलेक्ट्रिक मैस लगा दो, जो जरूरी है वो सब करो, मुझे 2400 घंटे सिक्योरिटी चाहिए। जाओ इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लेके आओ।
ए, मेरे बारे में तुम्हें पूरी तरह पता नहीं है। मुझे लोकल एमएलए जानता है, एमपी जानता है, सेंट्रल मिनिस्टर जानता है, गवर्नर जानता। फिर से टकला करूं क्या? माँ को जरा सी आंच भी नहीं आनी चाहिए, हर मिनट अलर्ट रहना। हाँ हाँ। फिर से वो रास। तुम बुरा ना माना तो एक बात पूछूं बेटा। हमें यहाँ जबरदस्ती से क्यों लाए हो, जान सकती हूँ मैं? मेरे बेटे की तरक्की अगर तुम्हें पसंद नहीं तो ये जायदाद तुम ले लो बेटा, लेकिन उसे छोड़ दो। दूर गांव से आए थे हम, तुम चाहते हो कि हम यहाँ नहीं रहे तो हम तुम्हें कभी नजर नहीं आएंगे। बेटा, भगवान ने मेरा एक बेटा छीन लिया और दूसरे का दर्द पी जाओ, इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। मेरे दूसरे बेटे को मुझसे अलग कर दोगे तो ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बेटा, मुझसे मेरे बेटे को अलग मत करो, मैं तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ। हेलो, एक भी कदम आगे बढ़ा है तो बिल्डिंग के साथ सबके सब जाओगे। मां को हाँ कहकर आया हूँ, बटन दबाते ही सब सहा हो जाएंगे। ए, कल नीचे करो, नीचे करो। बुलाओ तुम्हारे छत्रपति को, मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ मौत क्या चीज होती है, मैं दिखाता हूँ उसे। बुलाओ सर, क्या चीज क्या है वो, बुलाओ छत्रपति को। अरे छत्रपति, कहाँ छुपा था ये? ऊपर तक कैसे आ गया? अरे वो वहां। सब अलग अलग रास्तों से उसे घेर लो, वो शहर से बाहर ना जाने पाए। आइए माँ जी। जाओ माँ। आइए ना। ठीक है। थैंक यू ब्रदर, सही समय पर बचा लिया। ए, फैक्ट्रिया को चारों तरफ से घेर लो, कहीं से भी आए तो उसको खत्म कर दो, जल्दी जाओ। भेड़िये की तरह नहीं, शेर, घायल शेर की तरह ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। घायल शेर को पकड़ने के लिए बकरी का गला काट के खाना परोसना पड़ता है, ताकि वो खून को सूंघते सूंघते खुदे सामने आ जाए और उसके बाद निशाना लगाए तो इक्के वार में मर जाए। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मारना होगा। लेकिन खाना कहाँ है, मतलब बकरी बकरी? अरे बुड़बक, वो बकरी तू है। राज बिहारी, ये क्या, हम दोनों भाई है ना? बुड़बक, हम तोहरे मैया के पेट से पैदा हुए थे, जे तू हमारा भाई होगा ससुर का नाती। तुम्हारा औकाते का है हमारा सामने, वो छत्रपतिया तुमको कॉन्ट्रैक्ट देकर करोड़पति बनाया तुमको, उसका कमजोरी का पता लगाया तो पता चला कि तुम दोनों के बीच भाई का रिश्ता है। हमको तुम्हारा का जरूरत, तू कोनो अवतार पुरुष है और तेरी मैया यशोदा है का साला? अब वो शेर सामने आएगा।
मार डालो इसको। मुझे मेरी परवाह नहीं, मेरे बेटे को बचा लो। हम देखा थे अम्मा, चल रहे। सकती है लेकिन शिवा का वादा नहीं टूट सकता। शिवा, कसमें टूट सकती है मगर शिवाजी का वादा नहीं। शिवा बेटा, हे भगवान, कितनी बड़ी गलती की मैंने, इन हाथों से तुम पर गोली चलाई मैंने। नहीं मां, ऐसा मत कहो। तुम जिंदा हो फिर भी मैंने क्रियाकर्म किया बेटा, तुम्हें मर जाना चाहिए ऐसा श्राप दिया मैंने। मैं बहुत बहुत बदनसीब हूँ। उठ बेटा, उठ, तुम्हें जिंदा रहना होगा वरना शब मर जाएगा बेटा, मर जाएगा। उठ बेटा। माँ नींद आ रही है, माँ तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। Woo!
छत्रपति, अरे तू कैसा छत्रपति है रे? भाई कहता हमरे जैसा रास बिहारी, बिहार के। अभी छोड़ दिया तो तुझे एक झटके में खत्म करूंगा। अगर देर कर दी तो क्रिया कर्म करने के लिए तेरी बॉडी का एक हिस्सा नहीं बचेगा। रास बिहारी को मारेगा, हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उठ के दिखा, उठने का ताकत नहीं है का? अब तुम्हारी मैया को मारूंगा तब उठेगा का? सज्जन भैया, लड़के के बारे में आपको पता ही है, लड़की अगर इसके मुताबिक है तो ही हम जाएंगे। बहन, तुम्हें कैसी बहू चाहिए मुझे क्या पता? चाचा, नीलू जैसी शरारती लड़की है तो मैं नहीं मानूंगा, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। अरे नहीं नहीं, नीलू और उस लड़की में बहुत अंतर है, आपने एक बार देखा तो ना नहीं कह सकोगे। चलो। मुझसे भी अच्छी है क्या? क्या है ये सब? सगाई? किसका प्लान है ये? माँ का। मतलब माँ कहेगी तो उसके पीछे ही चले जाओगे तुम? हाँ, मार डालूंगी। अरे अरे, ये क्या है बेटी, सगाई बड़े बेटे की नहीं छोटे बेटे की है। ऐसा क्या? अरे भाभी शर्मा रही है रे। Hey guys. Hi, this is Venkatesh here. This is Vijay Devar Konna. Hi, this is Samantha. Velam Kona Srinivas. Watching Telugu Film Nagar. Subscribe to Telugu Film Nagar. Subscribe to Telugu Film Nagar. Do subscribe to Telugu Film Nagar. Telugu Film Nagar. Please subscribe to Telugu Film Nagar. You're watching Telugu Film Nagar. Subscribe to Telugu Film Nagar for the latest updates. Telugu Film Nagar. Chinna bell icon untadi, annokandi.